यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों के साथ पहले नंबर पर रही, इसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का। चुनावी नतीजों का आकलन किया जाए तो ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के लिए 77 सीटें ऐसी रहीं जिन पर हार जीत का अंतर 200 से लेकर 13,000 तक रहा। अगर ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती तो समाजवादी पार्टी शायद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीटवार आकलन करें तो ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी 77 सीटें मात्र 200 से 13,000 के अंतर से हार गई और इन सीटों को जीतने के लिए सपा को 4,96,408 वोटों की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5,00,000 वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती। चुनावी गुणागणित को समझें तो प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा को 41.03% यानी कि 3,80,51,721 वोट मिले। इन वोटों के सहारे उसने 255 सीटें भी जीती। वहीं समाजवादी पार्टी को कुल 32.06% यानी 2,95,43,934 वोट मिले, जिसके सहारे सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा को 77 सीटों की और जरूरत थी, लेकिन सपा गठबंधन ऐसा नहीं कर पाया। धामपुर, कुर्सी, बीसलपुर, नकुड़ व कटरा ऐसी सीटें हैं जहां सपा 200 से 400 वोटों के अंतर से हार गई। अब उन सीटों पर नजर डाल लेते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मात्र 200 से 1,000 वोटों के अंतर से हारी है। तो सबसे पहली सीट है धामपुर, जहां 203 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। इसके अलावा कुर्सी में 217 वोटों का अंतर रहा, बीसलपुर में 307, नकुड़ में 315, कटरा में 357। इसके अलावा शाहगंज में 719, मुरादाबाद नगर में 728, सुल्तानपुर में 1,009, मानिकपुर में 1,048, जबकि बिछरामऊ में 1,111 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी हारी है। अब बात उन सीटों की जहां समाजवादी पार्टी 1,000 से 5,000 वोटों की कमी से हार गई, तो इसमें मणियाहू, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, औराई, सलोन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज, इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोगांव और मोहम्मदी सीटें आती हैं। इसके अलावा 5,000 से 10,000 वोटों की कमी से हारने वाली सीटों में कोल, महमूदाबाद, मेहंदावल, खागा, बीकापुर, रॉबर्ट्सगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, दुद्धी, शाहबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनपुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, गोपामऊ, जौनपुर, सिकंदरा राव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहानपुर, करछना, दातागंज, लंबुआ, दरदौला व सिधौली सीटें शामिल हैं। और आखिर में बात 10,000 से 13,000 वोटों के अंतर से हारने वाली सीटों की, तो इसमें बिस्वा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, सैयद राजा, बलरामपुर, बदायूं, घनौरा, भोगनीपुर, पयागपुर, महोली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धौलाना, अलीगढ़ व आया शाह शामिल हैं। बहरहाल हार तो हार है, 100 वोटों का अंतर हो या फिर 1,00,000 वोटों का, और ये कड़वा चुनावी सच समाजवादी पार्टी को स्वीकारना भी पड़ेगा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा देखें तो इस बार समाजवादी पार्टी कई गुना मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जनता ने भले ही अखिलेश को पूरी तरह से स्वीकारा ना हो, लेकिन बसपा और कांग्रेस की तरह पूरी तरीके से नकारा भी नहीं है। फिलहाल जनता के इसी फैसले के साथ अखिलेश को संतोष करना पड़ेगा।